सूद का एक पैसा भी नहीं छोड़ सकता। एक हफ्ते के अंदर मेरे सब पैसे चुका दीजिए। अविनाश जी, पिताजी जरा पता तो लगाओ, नए मकान का नक्शा तैयार हो गया या नहीं? कहां गए थे देवर जी? माँ तुम्हें पूछ रही थी। क्यों मानी? सो मैं नहीं जाती। कहां? ऊपर। शेखर। क्या माँ? तू अपनी बुआ जी के यहाँ गया था? अरे देवर, वहां जाना तो बिल्कुल ही भूल गया। हाँ भूलेगा क्यों, तुझसे घरेलू काम की आशा करके गलती तो मैं खुद करती हूँ। अच्छा मैं आज शाम को दफ्तर से लौटता हूँ, जरूर मिल के आऊंगा। जरूर जाना, आज मत भूलना। जरूर जरूर जाऊंगा। अच्छा शायद आज सूरज पश्चिम से निकला है, कल दिन धुंधलाने की वजह पूछ सकता हूँ? जवाब नहीं दिया। ठहरो, तुमने ये सवाल इतने मुश्किल दे दिए हैं कि होते ही होंगे भी नहीं। हालांकि सवाल तो आसान है, मगर तेरे भेजे में भूसा जो भरा हुआ है। मेरे भेजे में भूस भरा हुआ है? ये क्यों नहीं कहते कि इतने दिनों से पढ़ रही हूँ लेकिन तुम कुछ सिखा ही नहीं पाते? सिखाऊं किसे, एक दिन आती और तीन दिन घर आ गई, कल क्यों नहीं आई? कैसे आती? मामी जी की तबीयत खराब, घर का काम काज भी तो करना पड़ता है ना। तो घर का काम ही कर, तुझसे लिखाई पढ़ाई होगी नहीं। दीदी जल्दी, मामी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों रे, मामी ने क्यों बुलाया है? मुझे क्या मालूम। बस हो गई पढ़ाई लिखाई, अच्छी बची तो इस मुसीबत से। अब इसमें मेरा क्या कसूर? तुमने बुलाया था मामी? हाँ, इतनी देर कहाँ गई थी? उस घर में पढ़ने गई। वो तो समझी, मगर सवेरे का समय, घर का सारा काम पड़ा है, मैं अकेले क्या क्या करूँ? मेरे कोई दस हाथ है? क्या काम है मामी? माँ जी को मैंने सब्जी काटने को कहा है, तुम जाकर अपने मामा के लिए चाय बनाओ। तुम खाम खा लड़कियों क्यों डांटा करती हो? लो सुनो, मैं लड़कियों को डांटती हूँ? अरे काम के लिए कहना भी डांटना हुआ? तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने तो लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है। तू यहाँ क्या कर रही है? पढ़ाई लिखाई नहीं? ललिता, तुझे इस गरीब मामा के बहुत काम करना पड़ता है ना? तो क्या हुआ, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। देखो तो बेटी कौन है। गुरुचरण बाबू को बड़े सरकार याद कर रहे हैं। कह देते, तुमको ताऊ जी ने बुलाया है मामा। ओह मैं भी जाता हूँ। अरे ये क्या, पहले चाय तो पी लो। नहीं बेटी, तू चाय ढक के रख दे, मैं लौट के पीऊंगा, देर हो जाने से खफा हो जाएंगे। क्यों बुलाया है सो तो मैं जानता हूँ। खुद ही आ जाओ। भैया आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर थोड़े दिन की मोहलत और देते। मोहलत क्या कम दी है तुमको? एक साल होने को आया, असर तो रहा दूर, तुमने ब्याज में से भी एक पाई तक नहीं चुकाया। आपसे मेरी हालत तो छिपी नहीं, 150 रुपए महीने तनख्वाह, उस पर इतनी बड़ी गिरस। बस बस इन सब बातों के सुनने से मेरा क्या फायदा? मैं तो ये पूछता हूँ कि मेरा कर्जा कब चुकाओगे? चुकाऊंगा, बहुत जल्द चुका दूंगा। नहीं नहीं, अब ये हवाई बातें मैं और नहीं सुनना चाहता। शेखर की माँ की तबीयत खराब रहती है, उसे आप गोवा बदलने के लिए बाहर भेजना है। मुझे रुपयों की इसलिए बड़ी सख्त जरूरत है। अगले महीने तक तुम मुझे सब रुपए चुका दो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तुम जा सकते हो। ललिता, अरे ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई, इसे गर्म कर लो। नहीं नहीं बेटी, चाय नहीं चाहिए, एक गिलास ठंडा पानी ला दे। अच्छा।
तो मैं बेटे दूंगा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कांति मुझे हमेशा चिढ़ाती है, कहती है तुम्हारे पिताजी गरीब है, उनके पास फीस देने को पैसा ही नहीं है। हाँ बेटी, हम गरीब है, बहुत गरीब है। तो बापूजी मुझे जब आ जा घर बाहर चारों तरफ तकाजा ही तकाजा है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। मामा, पुरखों का इस मकान का सहारा था, इसे भी तेरी दीदी की शादी में गिरवी रख दिया, और आज फिर उसी के लिए नवीन भैया से बहुत कुछ बातें सुननी पड़ी। रहने दो मामा, बार बार इन बातों को सोचने से क्या मिलेगा। मिलेगा तो कुछ नहीं बेटी, फिर भी सोचना पड़ता है। प्रसाद अन्नपूर्णा है नवीन बाबू, और वो सिर्फ आप ही के घर की शोभा बन सकती है। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, और मैंने आपकी लड़की को देखा भी है, मगर बात दरअसल ये है कि पहले कुछ लेन देन की बात। इसकी फिक्र आप न कीजिए, अपनी बेटी के ब्याह में बाप कुछ न दे भला ये कैसे हो सकता है। आप शायद नहीं जानते, मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी में हम लोगों ने 50,000 रुपए खर्च किए थे। 50,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक। असल बात यह है नवीन बाबू कि आपका लड़का शेख नाथ हमें बहुत पसंद है, और हम किसी भी शक पे उसे अपना जमाई बनाना चाहते हैं। और ये नकद 10,000 रुपए की जो आपने फरमाइश की है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मुझे सब मंजूर है। आप तो जानते ही हैं कि लेन देन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कुछ भी आप देंगे दान दहेज में, वो आपकी लड़की और आपके दामाद को मिलेगा। तो फिर आपकी तरफ से बात पक्की हुई ना। जी हाँ, बात क्या है? माजी ने आपको अंदर बुलाया। क्यों, क्या बात? माजी ने कहा है कि जब तक छोटे बाबू खुद देख कर पसंद न कर ले, तब तक शादी की बात पक्की न की जाए। ओ अच्छा, तो जा। अच्छा सरकार। शायद हम लोगों की चाल में कोई गलती हो गई है। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ सेशन कोर्ट की राय से ही तो सब बात नहीं तय हो जाएगी, अंदर हाई कोर्ट जो है। हाई कोर्ट, आप मेहरबानी करके जरा बैठिए। शायद वो बात समझी नहीं। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? क्यों, क्यों क्या? लेन देन की बात पक्की हो गई, ब्याह का मामला भी तय हो जाए, फिर उसके बाद मंगनी के दिन आशीर्वाद देते समय जी भर के देख लेना। और यूं तो लड़की देखी हुई है। किसने देखी? मैंने, और किसने? लेकिन शादी तो तुम्हारे बेटे की होगी। अरे तो उसमें हर्ज ही क्या है? अजी एक बार ये भी तो सोचो कि जमाना बदल गया है। तुम्हारे हमारे जमाने की तरह माँ बाप की पसंद से आजकल नहीं चलता। लड़की की पसंद नापसंद के बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। लेकिन वो लोग कितना रुपया नकद देने को राजी हुए हैं, सो भी जानती हो? जो कुछ भी हो, जब तक शेखर खुद पसंद न करे ये शादी नहीं हो सकती। यही तुम्हारा फैसला है? हाँ। लेकिन मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? कह दो अगले इतवार को शेखर लड़की देखने जाएगा। शेखर, आज तो तेरे बाबूजी मुझ पे बहुत खफा हुए। ओहो, बाबूजी खफा हो गए? ये तो बहुत बुरी बात है माँ, उनको ब्लड प्रेशर है, उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो तो मैं समझी, मगर गुस्सा करने का कारण भी तो सुन। उन्होंने चौधरी घराने में तेरा ब्याह पक्का किया है, सो लड़की के पिता सवेरे तारीख तय करने आए थे। नहीं माँ, अभी मुझे ब्याह नहीं करना है। क्यों बोला? हाल ही में तो काम धंधा शुरू किया है, जरा प्रैक्टिस चल तो जाए। सुन ललिता इस लड़के की बात, अरे हम लोगों के रहते बहू को खिलाने की फिक्र तुझे क्यों? नहीं नहीं, मैंने तेरे बाबूजी से कह दिया है, इतवार को तू लड़की देखने जाएगा। क्यों, चुप क्यों हो गए? क्या करूं, तुम कहती हो तो जाऊंगा। हाँ बेटा चला जाना। तूने सुना ललिता? हाँ सुन लिया। एक मिनट सुन ललिता दी, माँ तुम्हें ताश खेलने बुला रही है। ललिता, रसोई घर से शक्कर का डिब्बा तो ला दे। अच्छा मामी, तू जाओ मैं भी आती। मैं चारू के यहाँ जा रही हूँ। क्यों, फिर कास की बैठक जमेगी? चाची ने बुलाया है। अच्छा जा, जल्दी लौटना। आपको अंदर जाना, जाइए, दीदी बगल वाले कमरे में है। क्यों गिरी, किससे बातें हो रही? ओह ललिता, अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये है चारू के मामा, यानी कि मेरे सादे राम। मुंगेर की आब हवा पसंद नहीं, इसलिए कलकत्ते घूमने आए हैं। हम कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल बैठ, देख चारू। क्यों जनाब, मैंने कहा इधर टिकटिकी लगाए क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। देख
मान, आज ठीक से खेलियो, हारी तो खूब मार खाएगी और जीती तो रसगुल्ले में। चोर बन, खेल शुरू। 17, 18, पास। लो ट्रंप का पत्ता निकाली। अरे चारू, वहां से आज का अखबार तो दे जा। मैं खेल रही हूँ मामा, तुम ही अकेले जाओ। अरे गिरीन, अखबार पढ़ के क्या करोगे, दो चार बाजी यहीं आके खेल लो ना। क्यों, किस सोच में पड़ गए? अरे भाई यही तो चाह रहे थे, फिर हिचकिचाहट कैसी? जाओ जाओ। मुझे खेलने को बुलाया दीदी? तो आप क्या, मुंह देखने को आओ खेलो। पर तुम लोग चार जाने तो हो ही। चारू तो खेलना जानती नहीं, इसे बताते जाओ, बैठो। वाह, ये तो तीन जने हो गए, हम लोग तो हार जाएंगे चाची। अरे डरती क्यों है, दो के बराबर तो मैं अकेली हूँ। खेल खेल। अच्छा चलो। ये नहीं, ये चल। अरे ये हाथ तो हम जीते। पता मैंने बताया। क्यों जनाब, साले राम। आखिर जम गए ना आके। जीजा जी, मैं खेल कहाँ रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में देखूंगा कि तुम खेल रहे हो, चारू बिचारी पीछे बैठी। छोड़, ताश भी भला कोई खेल है। तुम्हें खेलना नहीं आता इसलिए। मुझे खेलना नहीं आता? अजी मेरे जौहर देखने हो तो शनिचर को मेरे साथ रेस के मैदान पर चलना। बस बस रहने दो, सबके सामने डींगना हाँको के तुम रेस खेलते हो। रेस शनिचर को होती है, तुम बुधवार से घोड़ों का जन्म पकड़ा ले बैठते हो। जाओ जाओ खेलने दो। अच्छा बाबा खेलो, जी भर के खेलो। खेलो चारू, अब और खेलने की जरूरत नहीं है, सब हाथ हमारे हैं। देखा था चारू? अरे ललिता तू आ गई। अच्छा हुआ, मुझे सजा तो दे कि बहू मुझे देखते ही पसंद कर ले। अच्छे तो लग रहे, मगर इस कुर्ते पर वो कश्मीरी शॉल कौन खिलेगी? तो खड़ी क्यों, मुझे निकाल दे। तुम खुद निकाल लो, मैं रुपए लेने आई हूँ, मुझे देर हो जाएगी। जब जरूरत होती है रुपए ले जाते, मगर ये चुकेंगे कैसे? चुप तो रहे ललिता, समझी नहीं, समझ जाएगी कभी ना कभी। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अच्छी है तो? जी हाँ। आओ पहले मुंह मीठा कर लो। बेटा जाओ तो रानी बेटे को ले आओ। मुंह मीठा करने के लिए इतना सामान? अरे ये तो कुछ भी नहीं, जल्दी में कुछ भी नहीं बन सका। मालूम है मेरे बड़े भाई साहब के दामाद जब पहली बार इस घर में आए थे तो 108 किस्म के पकवान पकाए थे, 108 आइटम्स। खाओ 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 खाओ, लो आगे आओ बेटा, प्रणाम करो। बस बस रहने दो, बैठो। अविनाश, तुम्हारे बाबूजी तो इसे पसंद कर ही गए हैं, अब ये तुम्हारे घर जा रही है, तुम्हें जो कुछ पूछना पाछना है पूछ लो। अरे बिटिया वो हीरे का हार नहीं पहना? तुम्हारा नाम बोलो बेटा, बोलो। सुंदरी देवी। मेरी माँ ने यानी इसकी दादी ने ये नाम बड़े ही प्यार से रखा था, सुंदरी देवी, गोरा रंग है ना इसलिए। तुम्हें गाना भी आता है? बहुत अच्छा, गा के सुना दो बेटा। निर्मल ला दो हारमोनियम। अच्छा शेखर बेटा, तुम कोई चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी तुम्हें सोने में तोल कर दूंगा, सोने में। अरे तुम लोगों ने खाया नहीं कुछ भी? तो ये बम्बई का हलवा है, बम्बई का। जी हाँ खा के देखिए। जी हाँ क्या? क्यों अविनाश, लड़की पसंद आई? जिसकी शादी होने वाली है उसी से पूछ लो ना माँ। क्यों रिशा, कैसी है लड़की? अरे क्या पूछती हूँ माँ, उनका घर तो एकदम राजमहल है, नक्काशी पूरे शानदार खंबे, संगमरमर की सीढ़ियाँ, कश्मीरी गालीचे, देश कीमत इटालियन मूर्तियाँ और क्या क्या। वो तो मैं समझी, मगर पहले ये तो बता कि जिसे देखने गया था वो कैसी लगी? भले घर की लड़की कैसी है? अच्छी। अच्छी का मतलब नाक नक्शा चेहरा मोरा रूप रंग कैसा है? तेरी भाभी जैसी है ना? ओहो, तुम समझते हो दुनिया में भाभी से कोई खूबसूरत लड़की है ही नहीं,
जानती हो तुमसे बहुत गोरी है। पढ़ी लिखी कितनी है? ये तो मैं पूछने भूल गया हूँ। पूछा नहीं, आजकल के लड़के जो बात सबसे पहले पूछते हैं वही तूने पूछा नहीं। क्या कहूँ, बिल्कुल भूल ही गया तुम्हें। मुझे मालूम होता है लड़की ने पसंद नहीं आई। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा तो आज तुझे ये कमरा ठीक करने का मौका मिला। तूने पूछा नहीं लड़की मुझे कैसी लगी? पूछना क्या, जरूर अच्छी होगी। अच्छी होगी नहीं, बहुत अच्छी है। राजमहल जैसा घर, बड़ी बड़ी संगमरमर की मूर्तियां, गहनों से लदी हुई लड़की। हंसती क्यों? तुम हंसा जो रहे। हंस नहीं, वो तेरी जैसी जरा से हवा के झोंके से बल खाने वाली लड़की नहीं, अच्छी खासी थोड़ी सी तंदुरुस्त है। तो फिर ठीक है, कर लो शादी। करूंगा ही कुछ। ललिता, ललिता सुन। नहीं, इस समय मुझे बहुत काम। इसी का इंतजार था कि हमारा ट्रंप। गिरीन, तुम्हारे पास ट्रंप के पत्ते कहाँ से आ गए? आए कहाँ से, मेरे पास थे। थे तो ट्रंप की चाल पे चले क्यों नहीं? चले कैसे नहीं, चला तो था। नहीं चला, तुम मर्द लोग बहुत बेईमान होते। अजी मैंने कहा, जरा सोच समझ कर बोला करो, इधर भी एक मर्द बैठा है। तुम चुप रहो। अच्छा जी। गिरीन, तुमने बेईमानी की है। शक है तो पिछले पत्ते मिला के देख लो। तो क्या छोड़ूंगी, देख तो मारती। माँ, चार तो बज गए, आज थिएटर चलना है ना? अरे हाँ, फिर बंद कर। हो सके तो थिएटर आज टाल जाओ दीदी, खेल खूब जम रहा है। ये कैसे हो सकता है, टिकट लिए हैं जाना ही चाहिए। कहाँ जाएंगी चाची? सुना नहीं, थिएटर गिरी टिकट भी ले आया है। चलो ना दीदी, हम लोग भी चले। मगर अब टिकट कहाँ से मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, मैं अभी आदमी भेजता हूँ। हम नहीं जा सकेंगे, मामी नाराज होंगी। चलिए ना, सब एक साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ दीदी, बड़ा मजा आएगा, मैं भी जाके माँ से पूछती हूँ। चलो हम सब तैयार हो जाए, जा तू भी तैयार हो। आ सबको तो लिए जा रही हो, मगर जो एक बेचारा इधर बैठा है उसे क्यों भूल गई? सभी चले जाएंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? है? तो क्या मैं इस घर का चौकीदार? नहीं नहीं जीजा जी, आपके लिए भी एक सीट रिजर्व करा ली है। मेरे साले साहब बहुत अकलमंद है। अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना तुम भी मेरी तरह गोबर गणेश बन जाते। हद हो गई दीदी, 5 बज गए, तू अभी तक तैयार नहीं हुई। बस बस मैं तैयार हो गई। चारू, मेरे गुंडे कहाँ रख दिए? उस कमरे के अलमारी में रखे। अरे हाँ, अरे हा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं तो कब को तैयार हूँ। चलो। क्या ये सर्कस के जोकर की तरह कपड़े पहन के थिएटर देखने जाओगे? तुम्हारे पास इतनी सी अकल नहीं है। ठीक तो सही, मगर शादी से पहले। बस बस मजाक बंद, जल्दी तैयार हो जाओ। चाची, हम लोग आ गए। ओ अच्छा, ललिता कहाँ है? रुपए ले रही हूँ। हम लोग थिएटर जा रहे हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या? अब बात कानों तक पहुंची, हम लोग थिएटर जा रहे हैं। किसके साथ? गिरिन बाबू के साथ। गिरिन बाबू कौन है? चारू के मामा, अभी 2-3 दिन हुए मुंगेर से यहाँ सैर करने आए हैं। एमए पास हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और ताश तो बहुत अच्छा खेलते हैं। नाम दाम पता ठिकाना पेशा, यहाँ तक कि वो ताश अच्छा खेलते हैं ये भी मालूम कर लिया उनके बारे में। उनके साथ बैठ के खूब ताश खेले, इन दोनों खूब ताश हुए। तो मैं क्या करती, चाची ने बुलाया मैं चली गई। देखता हूँ सर धस के तैयार होने के बाद इजाजत मांगने आई हूँ। जा खड़ी कर, जाओ ना। चारू मेरा पान का डिब्बा। अरे तुम्हारे हाथ में क्या? ओ अब फिर यहाँ रखती हो, इसे लॉकेट बनाकर गले में लटका लो। बस तुम रहने दो, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। दीदी तुम लोगों ने अच्छा झगड़ा शुरू कर दिया और इधर जाने का वक्त जो हो गया। चलो हम लोग तैयार हैं। लेकिन
ललिता देवी तभी तक नहीं आई। अरे हाँ चल कहा तो कि जाओ, सिर्फ आज के लिए। परेशान न करो ललिता, जाना हो तो जाओ, तुम्हारी उम्र भला बुरा सोचने लायक हो चुकी है। कमी नजर आ रही। चलो जी सारे राम। तुम बेगम बनो ख्वाब देखा है, ये ऐसा ख्वाब देखा है कि हम बादशाह बने हैं। बादशाह बने हो जी तुम्हें जरा ना आई लाज, बादशाह बने हो जी तुम्हें जरा ना आई लाज, स्वप्न मारी मेंढकी और बेटा तेरा ना। क्या कहेगी दुनिया मेरी नाक जो हुई तुम, ओ मेरी नाक जो हुई तुम। आओ जी हमसे करो मेल, आओ जी हमसे करो मेल। सुंदर के सर में चमेली का तेल, सुंदर के सर में चमेली का तेल। छछुंदर बना दिया मुझे ओ बेगम, ये क्या किया, उठा था शेर ये बबर, तूने उसे सुला दिया। हाय बेगम ये क्या किया। क्यों दादे राम, कुछ समझ में आया? अरे बैठ। अरे उठ, अरे उठ। हाँ मेरी जब बादशाह बनूंगा। दिल में तू रखना सबर, ओ बादशाह दिल
है? क्या है बाबूजी? देखो तो बेटी कौन आया। ओ आइए आइए बाबूजी, चारू के मामा जी आए हैं, उससे जिन्नी के बारे में कह रहे हैं। ओ हाँ हाँ, लड़कियों से आपकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। नमस्ते। नमस्ते बैठी। मैंने सुना है कि आपके घर में किसी की तबीयत जरा कुछ खराब। तबीयत खराब है? नहीं तो, मगर कल थिएटर जाते समय सुना था कि शायद मेरे ही सुनने में भूल हुई होगी। नहीं आपने ठीक ही सुना, बाल बच्चे वाले घर में तो किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहती है। और असल बात तो यह है भाई कि गरीबी बताते खुद एक बड़ी बीमारी है। अच्छा तो मैं चलूं? क्यों जाएंगे, आए थे तो बैठे थोड़ी देर। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे आजकल के पड़ोसी कहाँ एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। जितने दिन आप यहाँ रहें, जब समय मिले तो यहाँ जरूर आया कीजिएगा। दफ्तर से आने के बाद तो मैं घर ही पे रहता हूँ। देखिए मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप मुझे आप कहकर। अरे भाई सारी मुलाकात में लोग तकल्लुक करते ही हैं। खैर मैं तुम ही कहूंगा। हाँ तो तुम मुंगेर से कब आए? दो तीन दिन में। आप चाय पियेंगे? आप नहीं तुम। ओ तुम चाय पियोगे? चाय इस वक्त? अरे भाई चाय का भी वक्त बेवक्त होता है। बात यह है कि तुम पियोगे तो थोड़ी सी मुझे भी मिल जाएगी। ओ अच्छा कोई बात नहीं। ललिता, अरे ओ ललिता। दीदी नहीं है बाबूजी। कहाँ गई है? शेखर दादा। ओ तो तुम ही ग्रीन भाव कर चाय बनाना। मॉर्निंग चलो, कल थिएटर से लौटने में कितनी रात है? मैंने पूछा क्या बजे घर लौटी थी? 12 बजे, 1 बजे। थिएटर कैसा लगा? 2 शक अच्छा ही लगा होगा। जरा बोलो ना, मैं भी तो सुनू। अच्छा न बताओ तुम्हें कैसा लगा, मगर ये तो बताओ जिनके साथ गई थी उन्हें कैसा लगा? इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने देखा तो नहीं, सुनकर ही खुश हो लूं। मैं कुछ नहीं जानती। क्या कुछ खाने को तो था? भूख लगी है। खैर देती हूँ, पहले अपने शेखर दा को ये दे। मैं नहीं जाऊंगी, किसी और को भेज दो। तू क्यों नहीं जाएगी? हुआ क्या? जा दया जल्दी से, फिर तू भी खा ले आकर। लो नाश्ता लाई हूं। नाश्ता लाई हूं, रख दो। कब तक खड़ी रहोगी ललिता? मैं बाद में खाऊंगा, तुम इसे रख के नीचे जाओ। नीचे मुझे कोई काम नहीं है। अब जबान खुली? नीचे काम नहीं तो बगल वाले घर में तो जरूरी कोई काम होगा। तुम्हारा घर एक तो नहीं है ललिता? हाँ और नहीं तो क्या। चली राधे रानी अखियों में पानी, चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के। चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के। मान भरी अभिमान भरी, मान भरी अभिमान भरी, निर्मोही से, निर्मोही से नाता तोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के। चली राधे रानी, ओ जमुना के तट पे, बंसी के बट पे, नटखट ने उसको घेर लिया। देखो नटखट ने उसको घेर लिया, घूंघट के बट से झांके झटपट, राधा ने भी मुंह घेर लिया। हो देखो राधा ने भी मुंह घेर लिया। बातों ही बातों में झगड़ा भया ऐसा,
बातों ही बातों में झगड़ा भया, ऐसा बाहों के बंधन तोड़ के चली, बाहों के बंधन तोड़ के अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली, राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी। छलिया मोहन राधे बोली, छलिया मोहन राधे बोली, सांवरिया ने की जो ठिठोली, सांवरिया 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 ने की जो ठिठोली, ना कुछ डोली ना कुछ बोली राधे, ना कुछ डोली ना कुछ बोली, ना ही दो अखियां खोली, ना ही दो अखियां खोली, लाख मनाए कोई माने न मानिनी, लाख मनाए कोई माने न मानिनी, मधुबन की गलियां छोड़ के वो चली, मधुबन की गलियां छोड़ के अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी। ललिता माँ आज कहाँ गई है? माँ ललिता माँ कहाँ हो तुम? राजरानी कहाँ गई? दीदी सुनती नहीं, पुकारते पुकारते तुम्हारे बूढ़े बेटे का गला सूख गया। तो मैं क्या करूं, जा कहते वो जाए, आज मैं उसे कुछ ना दे सकूंगी। जैसे वो कहने से ही चला जाएगा, तुम्ही ने तो उसकी आदत बिगाड़ी है, जब आया दे दिया एक रुपया, आज तो उसने गाना सुनाया है, बगैर रुपया लिए जाएगा ही नहीं। मैया कहाँ हो तुम? माँ तेल के लिए पैसे लो, मेरे पास पैसे नहीं है, जो है अभी उसी से काम चला। मैया क्या आज खाली हाथ जाऊं? अन्नु अपने शेखर दादा से एक रुपया तो मांग ला। मुझे फुर्सत ही कहाँ है, देखती नहीं सुबह से मेरे बच्चे अनाथों की तरह पड़े, इनकी देखभाल करो कि तुम्हारा काम करो। मेरी अच्छी रानी बहन, तेरी बेटी की शादी में बनारसी साड़ी दूंगी। सच? तो अभी लाती हूँ। दूर दूर रहना, ज्यादा करीब जाने की कोशिश न करना साले साहब,
वो लोग ठहरे ऊंचे कुल के ब्राह्मण और तुम हो शूद, उनकी नजरों में बिल्कुल न छू। ठीक है ठीक है, आप क्या उल्टी सीधी बातें बग रहे हैं? हाँ जी, मेरी बातें तो उल्टी सीधी लगेंगी। अभी तक बैठे, अभी तशरीफ ले जाइए जनाब। पढ़ाई बंद कर, चला काम से जा। नहीं जैसा, मुझे सबक याद करना है। अरे क्या पढ़ लिख कर तुझे दर्जा बैरिस्टर बनना है, बल्कि ससुराल जाके कार से खेलने हैं? नहीं नहीं, मामी नाराज होंगी। अरे मामी से मैं कह देती हूँ तो चल तो सही, कल उठ आ जा। ले गिरी के गुनाह पे ट्रंप लगा ललिता, मेरे पास और ट्रंप नहीं है। ऐसे बताकर खेलोगी तो मैं नहीं खेलूंगा। तुम तो कहो, मैं बताऊंगी और सौ दफा बताऊंगी। यहाँ से हमारा हुआ मामा, ले चलो उठा ले। ठीक से खेलना ललिता, इस दफा इन लोगों को मजा दिखाएंगे। लेकिन आज मैं ज्यादा देर तक नहीं खेल सकूंगी चाची। अच्छा बाबा, अभी तो खेलने बैठी है और चलने की बात शुरू कर दी। ले अपनी बाजू उठा। अरे अन्नू चली जा रही है? मम्मी के लिए जो दूध रखा था ना, वो चारू दीदी की कमबख्त काली पीली थी, तो माँ से मांगने ले जा रही है। ललिता दीदी क्या कर रही है? चारू दीदी के यहाँ ताश खेलने गई है। कौन कौन से लड़का? चाची जी, चारू दीदी और ग्रीन भैया। सुन तुम चली जा और अपने ललिता दीदी से कहना मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, फौरन आ जा। लो ये बाजी हम जीते। ललिता दो लाल निशान और निकाल। चाची अब मैं जाऊँ। अरे बाबा चली जाना, दो बाजी और खेल जा, जल्दी करो। तुम मेरे बच्चे क्यों देखते हो? फिर देखा तो आके फोड़ दूंगी। दीदी दीदी ये खड़ा बुलाते हैं जल्दी। जरा सा खेलने बैठी और गई संभाल लेके, जाए यहाँ से। चाची अब मैं जाती हूँ। ये बाजी तो खेल लीजिए। नहीं चाची, वो नाराज होंगे। उफ कैसा अच्छा खेल जम रहा था, चली गई। अन्नू उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया ही था, ये और भी कुछ पूछ रहे थे। पूछा तेरी ललिता दीदी क्या कर रही है? मैंने कहा ताश खेल रही है। उन्होंने पूछा कौन कौन खेल रहा है? मैंने कहा ललिता दीदी और क्या दीदी, चारू दीदी और ग्रीन भैया। ये सब कहने की तुझे क्या जरूरत थी रे? इसमें मेरा क्या कसूर? जो जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। बता दिया, जा मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। दीदी उस दिन गुरुचरण बाबू के यहाँ सुना और आज भी, आखिर ये हजरत शेखर दा है कौन? गुरुचरण बाबू के मकान के बगल में वो फाटक वाला मकान है ना, वो बड़ा सा मकान। हाँ शेखर उसी घर का छोटा लड़का है, ललिता बचपन से ही उसके पास पढ़ती लिखती है। शेखर के मन में उसके लिए बड़ी ममता है। उनका घर ताश खेल रही थी। हाँ ग्रीन बॉल भी जरूर खेल रहे होंगे। हाँ तभी आजकल दिखाई नहीं दे, ताश के पीछे लिखना पढ़ना भी छोड़ दिया। तुम जानती इस समय पता नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, चाची आके जबरदस्ती ले गई थी। मैं ये बात नहीं मानता। मानो या ना मानो, जो सच बात थी वो मैंने कही। अच्छा तो आजकल बातें बनाना खूब सीख गई। तुम जरा सी बच्ची तो हो नहीं रही था कि कोई तुम्हें जबरदस्ती चाहे जहां ले जाए, ऐसा तो नहीं कहती? उस घर में ताश खेलना तुम्हें अच्छा लगता है, और अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, वहां खेलने के लिए अच्छे अच्छे साथी जो मिलते हैं। तो जाओ, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, खड़ी तो हो जाओ ना। क्या हुआ क्या हुआ ललिता, तू रोती क्यों? ललिता काश तुम समझ पाते। माँ अपना सब सामान वगैरह ठीक कर लो, तुम्हें फौरन मजों पर आग हवा बदलने के लिए जाना है। ना रे, इस बार मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों जाओगी क्यों नहीं? जाने से फायदा, मैं तो बुढ़ी चंगी हूँ और दूसरे तेरे पिताजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, इसलिए भी मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मगर हुक्म तो उन्हीं ने दिया है माँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ माँ जी, कुछ दिन के लिए हुआ ये तो अच्छा है। बाबूजी की चिंता आप न कीजिए, उनकी देखभाल के लिए मैं जाऊँ। मगर बहू नहीं माँ, अगर मगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, शेखर से मैं टिकट मंगवाने को कह देता हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, तुम लोगों से जिसके सामने पार पाना मेरे बस की बात नहीं, जो चाहते हो वही करो। अच्छा तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। अरे सुन तो, पांच साल की तरह इस बार भी मैं ललिता को अपने साथ ले जाऊंगी, इसके लिए भी टिकट मंगवा लेना। अच्छा ललिता अपने मामा से कह देना बेटी। अच्छा अरे हाँ, वो पंजाब कहाँ है? मामी को कोई कहीं देखनी,
ऊपर मेज पर है। बहू मम्मी जी से कहना ललिता के लिए दो अच्छी साड़ियां लेते आए, उस बेचारी के पास अच्छे कपड़े नहीं। मामा क्या है? उस घर की माँ हवा पानी बदलने के लिए मधुपुर जा रही है, वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। चाहती तो चली जा। हाँ अपनी मामी से कह देना। इसी महीने में मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, पर क्या देखकर अच्छी की तारीख निकाल दो। अभी जा लौट के देखूंगा। नहीं नहीं अभी निकाल दो, ताई जी का पंचांग है, अभी जाकर वापस संभालूंगा। संभालेंगे थोड़ी। अरे मंगल के साथ कोई दूसरी तारीख नहीं है? फिर तो किसी भी हालत में मंगल की शादी करनी पड़ेगी। लड़की शादी हो गई है, अब तो एक दिन क्या एक घड़ी भी उसे घर में नहीं रखना चाहिए। एकदम बूढ़ी दादी हो गई है। नमस्कार। क्या आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं? नहीं काम को ऐसा जरूर नहीं है, यूं ही ऐसा से मिलने जा रहा हूँ। दो चार मिनट की देर भी हुई तो कोई हर्ज नहीं है। आओ आओ बैठ आओ। ये मेरी भांजी ललिता है। जी हाँ दीदी के यहाँ परिचय हो चुका है। बैठ। इसके लिए बड़ी चिंता है। क्यों क्या हुआ? माँ बाप नहीं है बेचारी की, जब तक इसके लिए कोई अच्छा घर बार देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी बेटा। बहुत से लोगों से कहा है, तुमसे भी कहता हूँ, तुम्हारे तो बहुत से दोस्त अहबाब हैं। देखो ना बेटा उनमें से कोई ऐसा लड़का मिले जो दान दहेज की परवाह न करता हो, सिर्फ लड़की पसंद होने से शादी कर ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी ललिता जैसी सुशीला हजारों में नहीं मिलेगी। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, जरूर कोशिश करना बेटा। अच्छा तो मैं चलूं? आपको कहीं जाना है ना? हाँ बेटा फिर कभी आना। गुलचरण बाबू की हालत जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ दीदी। मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं दीदी, पुरखों का मकान एक सहारा था वो भी बड़ी लड़की की शादी में गिरवी रख दिया। वो बेचारे असल तो क्या ब्याज तक नहीं चुका सकते, और वो बूढ़ा उनका मकान मौका पाते ही हजम करना चाहता है। ये बूढ़ा है कौन? वही शेखर के पिता नवीन राय। छी 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 इसका नाम सबे सबे मुंह पे आ गया। नाम में बुराई क्या है दीदी? अरे उस मनहूस का नाम लेने से खाना तो दूर, दिन भर एक घूंट पानी नहीं मिलता। हाँ बूढ़ा एक नंबर का घिसा हुआ है, गुड़ का व्यापार करके लखपति बन गया, मगर गुड़ जैसी मिठास उसमें लस्सी भर नहीं। गुरुचरण का हिसाब देखा भी ना? जी हाँ देखा। किसी को भेज कर पता तो लगाओ कि गुरुचरण दफ्तर से लौटा या नहीं, अगर आ गया है तो बुलवा लो। लेकिन बाबूजी बेकार बुलाने से क्या फायदा, उनकी जैसी हालत है उससे तो साफ जाहिर है कि वो कर्जा नहीं चुका सकेंगे। मैं जानता हूँ कि वो नहीं चुका सकेगा, इसीलिए तो उसे कर्जा दिया था कि कोई दूसरा रुपया देकर उसके मकान पर कब्जा न कर ले। बेहतर हुआ कि ये नए काम मैंने ही कर लिया। सोचता हूँ उस मकान को तोड़वा कर शेखर के लिए घर बनवाऊंगा। गुरचरण पड़ोसी है, पुरानी जान पहचान है, लेकिन किया क्या जाए, मुझे मजबूरन ये काम करना ही पड़ेगा, रुपया जो फंसा हुआ है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं बच्चा खाने में जाता हूँ, तुम उसे वहीं बुलवा दो। जी बहुत अच्छा। तुम तो एकदम नवाब ज्यादा हो गए हो, बिना बुलाए आने का नाम ही नहीं लेते। क्या हुआ मेरे रुपयों का? जी अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं हो सका। नहीं हो सका? रुपया उधार लेते वक्त तो बड़ा भरोसा दिया था कि दादा जैसे भी हो सकेगा छह महीने के अंदर तुम्हारे सब पैसे चुका दूंगा। कहां गए थे तुम्हारे छह महीने? क्या हुआ मेरे रुपयों का इंतजाम? अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी हालत तो आपसे छिपी नहीं, अगर कुछ दिन और। कुछ दिन क्या, अब तुम्हें मैं एक दिन भी और मोहलत नहीं दे सकता। दो महीने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया था कि अविनाश की माँ को बाहर भेजना है, मुझे रुपयों की बड़ी जरूरत है, लेकिन तुमने दो महीनों में एक दिन भी शक्ल तक नहीं दिखाई। पड़ोसी जानकर तुम्हें इतने दिनों की छूट दी, मगर अब तो मेरा यह आखिरी फैसला है कि सात दिन के अंदर अगर तुमने मेरे कर्जे की पाई पाई न चुका दी तो मजबूरन मुझे तुम्हारे मकान का नीलाम करवा देना पड़ेगा। लेकिन भैया। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जहां से भी हो मेरे रुपयों का इंतजाम करो। हाँ हाँ आपने काफी मोहलत दी है। गुरुचरण क्या खा के आपका कर्जा चुकाएगा? समझिए वो मकान आपका ही है। राम 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 राम। मैं भला कभी ऐसा चाहूंगा?
गुरचरण बूढ़ा गरीब पड़ोसी है, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि उसका मकान निराम करवा दूं, लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान के हाथ में, जैसा वो चाहेगा वही होगा। सो तो ठीक है। ललिता नमस्कार। नमस्ते। हाँ बेटा बैठो। ललिता ग्रीन आया है, चाय दो कप लाना। अच्छा। बच्चे से आई कितनी देर हुई आपको? अभी अभी आया। बैठो बेटी, आप चाय नहीं पियेंगे? मैं चाय नहीं पी। नहीं, इसके शेखर का लड़कियों का चाय पीना पसंद नहीं करते। आज आप कुछ परेशान से मालूम होते हैं, तबीयत तो ठीक है? क्यों इन्हीं आप कुछ खोए खोए दिखाई देते हैं? नहीं तो, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है। तो क्या दफ्तर में कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं बेटा, तुमने ठीक ही सोचा, आज मेरा मन बहुत दुखी है। अभी थोड़ी देर पहले मोहल्ले वालों के कुछ लोगों के सामने नवीन भैया ने कुछ ऐसी कड़ी बातें कह दी जिसकी वजह से अब क्यों न कहते, साल भर हो गया कर्जा लिए, असल रकम की बात क्या करूं, सूद का भी एक पैसा नहीं चुका सका। हाँ मामा, ये सब बातें रहने दो, फिर सोच लेना। बेटी, हर समय के सोचने का फिर क्या सोचना। असल बात यह है गिरी, मेरी बेटी चाहती कि मैं चिंता न किया करूं, मगर बेटी चिंता से बचने का कोई रास्ता नहीं। नवीन भैया ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर निकाह पर्दा न चुका दिया तो वो मेरे पुरखों का मकान को नीलाम कर देंगे। देखिए, आप कुछ ख्याल ना करें तो एक बात कहूं। ख्याल? मैं तो किसी की किसी बात का ख्याल नहीं करता। क्या बात है बेटा, कहो। मैंने दीदी से सुना है कि नवीन बाबू जो कर्जा देते हैं उस पर ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब चाहता हूँ कि, देखिए मेरे बाप दादा मेरे लिए काफी रुपए छोड़ रहे हैं, वो ऐसे ही रखा हुआ है, मेरे किसी काम में नहीं लग पाता। आप नवीन बाबू का कर्जा चुका दीजिए। क्या तुम मुझे रुपया दोगे बेटा? कितने ब्याज पर? ब्याज पर? रुपये उधार देना मेरा पेशा नहीं गुरचरण बाबू, आप मुझे नवीन राय ना समझिए। ब्याज लेकर कर्जा देने वालों को मैं इंसान नहीं मानता। जब आपको सुविधा हो असल रकम लौटा दीजिए। क्या तुम मुझे कर्ज की पूरी रकम दोगे? बेटा वो तो बहुत ज्यादा है, 3,000। 3,000? इतना देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी इस मुसीबत में अगर मेरा ये रुपये किसी काम आ जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बेटा तुम्हारे शुक्र, मैं जिंदगी में तुम्हारा ये साल नहीं भूल सकता। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, किसी के आए वक्त में इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। ग्रीन बाबू बड़े भले आदमी हैं। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक, उस दिन जब मैं बाहर खड़ी थी तो ग्रीन बाबू ने इतनी सारी मुझे चॉकलेट दी। क्यों बनू हर बात में जाकर आती जाने फिर क्या हुआ? ग्रीन बाबू ने कहा है कि वो मामा जी का कर्जे का सारा रुपया देंगे। हाँ अभी अभी उन्होंने मेरे सामने कहा है। बाजी मामा जी का सारा कर्जा चुक जाएगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरी डूबती हुई नैया को बचा लिया। मैं कुछ मुंह से तुम्हारे कार को बता पूछा। हाँ खूब याद आई, वो ललिता देवी के रिश्ते के बारे में आपने जो कहा था ना, मैंने 2-3 जगह बात की, वो लोग लड़की को देखना चाहते हैं। कब? जल्दी ही जवाब करें। तो अगले हफ्ते मैं बुला लूंगा, मगर मैंने सुना है ललिता देवी मधुपुर जाने वाली है। अरे हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, तब तो वो नहीं जा सकती। मधुपुर जाने से ये काम ज्यादा जरूरी है जी, मैं अभी उसका जाना रोकता हूँ। अच्छा नमस्ते। कारगुजारी का फैसला तुम लोगों से छिपा न रहे, अगर आज भी उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं उसका मकान करवा लूंगा। फिर मुझे दोषी न ठहराना कि मैंने अपने पड़ोसी के साथ कोई अन्याय किया। आप भला किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? आपने तो उसको इतनी मोहलत दी है भैया कि कोई अपना सगा भाई भी नहीं दे सकता। ये आ गया। इस तरह मुर्दों की तरह मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो? इसलिए कि शायद मेरी हमदर्दी हासिल कर सको? रुपए भी लाए हो? लाया हूं। हाँ तो क्या रुपए लाए हो? जी जी। क्या सब रुपया? जी हाँ, रुपए गिन लीजिए और मेरे कागजात। हाँ जब तुमने सारा रुपया ही चुका दिया तो
तो तुम्हारे कागजात भी तुम्हें लौटा ही देने चाहिए। मुनीम जी। जी सरकार। गुरचरण के कागजात लौटा दो। हाँ गुरचरण, इतने रुपए लाए कहाँ से? सो न पूछिए, देने वाले ने नाम बताने से मना किया है। हाँ क्यों ना मना किया जाएगा, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है जो मैंने अपना रुपया तुमसे वापस मांगा। इसीलिए तो आज के जमाने का नाम कलजुग है, कलजुग। ये आप क्या कह रहे हैं नवीन भैया, मैंने तो सिर्फ आपके रुपए का कर्जा चुकाया है, आपकी दया का कर्जा तो मैं जान देकर भी नहीं चुका सकता। अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई होती तो ऐसे गैर आदमी की तरह तुम मेरा सब रुपया न चुका देते। बता दो ना, कितने सूद पे मकान गिरवी रखा है? जी नहीं, मैंने इस बार मकान गिरवी नहीं रखा और रुपए के लिए सूद भी नहीं देना पड़ा। क्या कहते हो, रुपए दे दिया यूं ही बिना सूद के? अरे इस कलयुग में कौन ऐसा दानवीरकरण का अवतार बन गया, जरा हमें भी तो नाम बता दो। अरे हम 10 आदमी नाम ही सुनकर पुण्य कमा ले। जी माफ कीजिए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। अच्छा नमस्ते। चला गया, नाम तक नहीं बताया, घमंडी कहीं का। मैं देखूंगा कि ये राज कब तक छिपा रह सकता है। अरे भाई अपने मोहल्ले में आपका अंधा गांठ का पूरा कौन आ गया है? अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं दो ही दिन में उसके नाम की ही नहीं चौके चूल्हे की खबर ला के देता हूँ। हाँ खबर करो, जरूर कुछ गाल में काला है। आप परेशान क्यों होते भैया, आपके हुक्म की तामील करने के लिए हम लोग भी मौजूद है। अच्छा दादा हम लोग चले। अच्छा चलो भाई चलो चलो, मुंह क्या देते, चलो। दादा एक 10 रुपए का नोट है। मुनीम जी। जी सरकार, इन्हें 10 रुपए दे दो। चलो जुगल भैया। अच्छा दादा बाबूजी, आपने इंजीनियर साहब से शेखर के मकान के लिए जो नक्शा बनाने को कहा था वो बन करके आ गया है, इसे देखिएगा। हाँ तो फेंक दो इसे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों क्यों क्या, गुरुचरण का पूरा रुपया चुका गया है, ये लो। शेखर दादा के कितने कपड़े, ये लोग कितने अमीर है ना दीदी। चुप है दादा, बकबक ना किया कर, वहां से रुमाल निकाल। अच्छा देखता हूँ सारा इंतजाम हो चुका, ठीक है रख ले, और आज अपना बस भी ठीक कर लेना, कल तुझे वक्त नहीं मिलेगा। दीदी तो इस बार जाएंगी नहीं? जाएंगी नहीं क्यों, चलिए कर। हाँ मामा जी ने, मामा जी ने कहा है कि। क्या कहा मामा? बस दीदी कैसे बताए, वो शर्माती है शेखर दादा, उनके ब्याह की बात जो हुई। ब्याह की बात? जानते नहीं, पिताजी और ग्रीन बाबू उसके लिए दूल्हा तलाश कर रहे हैं। ग्रीन बाबू कहते हैं चाहे जितना भी रुपया खर्च हो जाए लेकिन दूल्हा तो राजा जैसा होना चाहिए। शेखर दादा, ग्रीन बाबू बहुत अच्छे आदमी है ना दीदी। और जानते हो शेखर दादा, पिताजी पर ताऊजी का जो कर्जा था ना वो पिताजी ने सब चुका दिया, ग्रीन बाबू ने पूरा रुपया दिया था। पिताजी कहते थे बस अब कोई चिंता नहीं रही है ना। क्या सोच रहे हो शेखर दादा? कुछ नहीं, तू जरा मेरे लिए पानी ले। अच्छा ललिता, ये सब कुछ तुमने मुझे नहीं बताया, जवाब तो नहीं देती। ठीक है तुम पराई लड़की हो, तुम पर हमारा अधिकार ही क्या है। अच्छा ही हुआ तुम्हारी देखभाल करने वाला एक हमदर्द तुम्हें मिल गया, वो जैसे जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि जल्दी तुम्हें कोई राजा जैसा दूल्हा मिल जाएगा। शादी के मौके पर हमें भी याद रखना। इस वक्त तुमसे ये काम होगा नहीं लगेगा, फिर आके सब ठीक ठाक कर देना। तुम जो कुछ भी कहो गिरीन, लड़का मुझे पसंद है। आप कुछ भी कहें, लड़का किसी भी तरह से ललिता देवी के जोड़ का नहीं है। अच्छा तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तो फिर कल उस दूसरे लड़के को देखने के लिए चला जाए। आओ शेखर आओ, ललिता की शादी के बारे में बातचीत हो रही थी, आओ बैठो। शेखर इन्हें नहीं पहचानते,
बड़े भले आदमी है। अपने पड़ोसी माधु बाबू है ना, उनके साले गिरिंद्रनाथ। जी हाँ, नाम सुना है। नमस्कार। नमस्कार। शेखर और कुतूहली था, वो चाय नहीं पीते। हाँ शेखर, मैं ललिता के लिए ग्रीन के साथ एक लड़का देखने गया था। लड़का बीए में पढ़ता है, घर बार भी अच्छा खासा है, मगर न जाने क्यों ग्रीन को लड़का पसंद ही नहीं आया। क्यों पसंद क्यों नहीं आया? रूप रंग का कुछ खास ऐसा नहीं। ये कहते हैं ललिता के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो हर तरह से अच्छा हो। और बेटा मैं कहता हूं कि पुरुष का रूप और रंग क्या देखना, पुरुष का सबसे बड़ा रूप है गुणवान होना। क्यों बेटा, तुम्हारी क्या राय? मेरा ख्याल है ग्रीन बाबू का कहना ही ज्यादा ठीक है। लो भाई तो की जीते। चाचा जी, मैं कब सुबह माँ को लेकर मधुपुर जा रहा हूँ, ब्याह के मौके पर खबर देना ना भूलिएगा। अरे बेटा ये क्या करते हो, हमारे सब कुछ तो तुम ही लोग हो, और जब तक ललिता की माँ ना आए ये वाला शादी कैसे हो सकती है? क्यों बेटी, अरे ये कब चली गई? शादी की बात हो रही थी, शायद इसीलिए वो चली गई। हाँ हाँ, जाना ही चाहिए। अब मेरी बेटी ना समझ नहीं, ललिता मानो लक्ष्मी सरस्वती दोनों का ही एक रूप है। जिस घर में जाएगी वो घर जगबगा उठेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शेखर नाथ। अरे ये कब चला गया? अजीब लड़का है, मैं अभी तक इसे न पहचान सका। तुम्हारा ओवरकोट रखना भूल गई थी, पिछली बार गाड़ी में सर्दी की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई थी ना, वापस आते ही नाप भिजवा कर बनवा लिया था। सर्दी लगे तो जरूर पहन लेना। ये कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कैसे नहीं पहनोगे? ये बात नहीं, मैं दूसरी बात सोच रहा था। ललिता क्या तुम कह सकती हो मेरा क्या हाल होगा? क्यों क्यों तो मैं ही जानता हूँ, पर आए घर जाने से पहले मुझे बतला देना कि मेरी कौन सी चीज कहाँ रखी। हटो। हटो तो समझा, मगर एक बार कह सकती तो कह दो कि मेरा क्या हाल होगा। मेरा शौक तो है सोलाना, मगर सामर्थ्य कौड़ी की भी नहीं। मेरे काम काज नौकर चाकर तो कर नहीं सकते। खैर जो होना है होगा, तुम तो देखने आओगे नहीं। जाओ, जो जी चाहे कहते रहो। चलो माला बना रही है। मेरी बेटी की शादी जो है। ओह ठीक, लगन तो आज ही है। सुनते नहीं घोष बाबू क्या शहनाई जो बज रही है। अरे तो सारा इंतजाम कर लिया। क्या इंतजाम कर लिया, लड़की बड़ी हो गई है, अब तो किसी तरह विदा किए देती हूँ। अच्छा तो नहीं, गेंदे के फूलों की बरमाला मानी जाती है? क्यों नहीं, दूसरे फूल ना मिले तो जरूर मानी जाती है। मैंने तो कितनी बेटियों की शादी की है, ये रीत रिवाज तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं तो भूल गई, मैंने सबको न्योता दिया, सिर्फ शेखर दादा को भूल गई। जाओ उन्हें कह, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। दीदी मैं जब तक आऊँ तुम ये माला बना दो। अच्छा मांगी, मैं तो काम में फंसी हूँ, तुम ले आओ ना। मैं नहीं जाऊंगी, तुझसे कहा है तू ही ले जाऊंगी।
चला। अच्छा खैर तू काम कर, मैं ही ले जा। हाँ हाँ तुम्हारा ही जाना ठीक है, मुझे तो इतना काम है कि मरने की भी फुर्सत नहीं। ये तुमने क्या किया ललिता? क्यों क्या किया? नहीं जानते, जवानों से खुश क्या हो? आज रात को किसी को माला पहनाने से क्या होता? नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं अरे ललिता सुनो, जल्दी करो अभी वक्त नहीं है, पकड़ो पकड़ो, इतना टाइम पड़ा हुआ। ललिता कुटिया, छोटे बाबू ने तुम्हें बुलाया है, सो गई क्या? तुम जाओ मैं आती हूँ। अंदर आओ। नहीं वहीं से कहो। अचानक तुम ये क्या कर बैठे? फिर वही बात है, जाओ। इसमें मेरा क्या कसूर? तुमने तो किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माला मुझे वापस कर दो। इसीलिए तो बुलाया, अंदर आके ले जाओ। नहीं वहीं से फेंक दो। तब तो नहीं मिलेगी। तो मुझे चाहिए भी नहीं। सुनो ठहरो ललिता, जो काम तुम अधूरा छोड़ गई थी मैं उसे पूरा किए देता हूँ। नहीं नहीं ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है तो कर रहा हूँ। अब माला तो बदल होगी, दूल्हा को उठाकर मौरी का बंदोबस्त कराऊं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया था? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुमने मुझे क्यों माला पहनाई? मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं। कितने बड़े बड़े घरानों से तुम्हारी शादी की बातें आ रही हैं और मैं गरीब दुखी तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मेरी माँ नहीं बाप हूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं। कैसी भी तुम मेरा अपमान कर रही हो। अपमान? मैं नहीं ललिता, तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं तुम्हारा अपमान करेंगी? हाँ अपने मन से तुझे तो समझ जाओगी। मैंने अचानक तुम्हें माला पहना दी, क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया? नहीं मैंने जो कुछ किया अचानक नहीं किया, जानबूझकर सोच समझकर किया। तुम मेरे इतने नजदीक थी, शायद इसीलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आज मैंने ठीक तरह से जाना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। अब इन बातों को सोचने का सवाल ही नहीं उठता। जो होना था सो हो गया, और जो हुआ है उसे न तुम मिटा सकती और न मैं।
तो ये प्रणाम क्यों बेटी? यू ही। ओ समझी, तेरी मामी तेरी शादी के बारे में कह रही थी। भगवान से मेरी विनती है, तुझे शंकर जैसा स्वामी मिले। अरे ये हाथ में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं। चलो इसी तरह शादी हो गई, मेरी जान में जान आ गई। मंगल गीत तो हुआ नहीं, शादी कैसे हो गई? मंगल गीत कौन गाएगा? ठहरो, मैं मानती दीदी को बुलाती हूँ। हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, निकाल के। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना, कुछ भी न कहना, हाथ को रखना संभाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से, जी प्रीतम के नाम से, सबके जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, जी दिन भर के काम से। पंखा चलोगे, पंखा चलोगे, सोए आराम से, सपनों में उनके धीरे से आना, मोती की लड़ियां उछाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। ओ, पिया के संग सखी मीठी मीठी बोलना, मीठी मीठी बोलना, जी मीठी मीठी बोलना, नयन में गोरी धीरे धीरे डोलना, धीरे धीरे डोलना, जी धीरे धीरे डोलना, उजाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाने से पहले कहते जाओ कि अब मुझे क्या करना होगा। अब तुम खुद ही समझती जाओगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये लो चाबी, मुझे गैर हाजिरी में रुपए पैसे की जरूरत हो तो अलमारी से निकाल लेना। मां को लेकर मैं सवेरे की गाड़ी से चला जाऊंगा। Thank you.
क्या है रे? हजूर, हजूर आपसे एक विनती है। बोल। मेरे घर से चिट्ठी आई है, मुझे फौरन बुलाया है। क्यों, कोई बीमार है वहाँ? जी नहीं। फिर क्या हुआ? ये चिट्ठी देख लीजिए। मैं चिट्ठी देख के क्या करूं, तो बोलना क्या हुआ? हजूर बोल। हजूर मेरे बाप ने मेरी शादी तय की है। शादी इस उम्र में? तो शर्मा क्यों रहा है, बहू को देखा तूने? जी नहीं, मेरे बाप ने देखा है। इतने जोर से हंस क्यों रहा है? आया माँ। माँ तुमने सुना, तुम्हारा लक्ष्मण घर जाने को छुट्टी मांग रहा है, उसकी शादी तय हुई है। शादी? अभी उसकी उम्र ही कितनी है जो शादी करेगा? इन लोगों में ऐसी रिवाज है माँ। तब तो उसे छुट्टी देनी ही पड़ेगी। और क्या? माँ जरा उठो। क्यों? जरा उठो तो सही। आखिर क्यों? क्यों क्या, दिन भर कोई काम ना धंधा, बैठे बैठे जी उगता गया, इसलिए सोच रहा हूँ कि सब्जियां काट कर जी बहला लूं। चलो तुम उठो। क्या पागलों जैसी बात है। उठो तो सही तुम। ललिता। क्या है मामा? बेटी ग्रीन अभी तक नहीं आया। आ जाएंगे मामा, ऐसी देर भी कहाँ हुई है, रोज इसी वक्त आते हैं। लो वो आ ही गया। श्रीमान ने श्रीमती जी को फूलों का तोहफा दिया। श्रीमान ने देख। अरे लिख लिख लिख। श्रीमान ने बस। अब माला बदलना बाकी है, अब आगे बढ़ने देना नहीं चाहिए। अरे मैं कल ही नवीन भैया को खबर देता हूँ। हाँ यहाँ नहीं, यहाँ सबके साथ नहीं, वहां जाके बैठो। हाँ हाँ वहां बैठो। मुंह क्या देख रहे हो, वहां बैठो। सुनते हो गुरुचरण, ये मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? बोलो ना किशन, तुम चुप क्यों हो? हैं? आपके सामने हम क्या बोले दादा, आप हमारे मुखिया हैं, हम सबकी तरफ से सब कुछ आप ही कह दीजिए। तुम लोगों ने तो अच्छा मजबूर कर दिया है मुझे, खैर कहना ही पड़ेगा। सुनते हैं वो माधो का साला तुम्हारे घर बहुत आता जाता है, क्या ये सच है? जी हाँ सच है। लेकिन तुम्हारे घर में जवान लड़कियां जो हैं, क्या उनकी शादी करने का इरादा नहीं है? मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, मगर दो एक जो अच्छे लड़के देखे उनकी दहेज देने लायक ताकत मुझ में नहीं। ताकत नहीं? तुम उससे कहो मैं तुम्हें कर्जा दूंगा जितना चाहो। आपकी मेहरबानी, लेकिन अब मैं आपसे कर्जा नहीं लूंगा। हाँ अब तुम हमसे कर्जा क्यों लोगे? हम लोग बेवकूफ नहीं है, तुम्हारी असलियत से खूब अच्छी तरह वाकिफ है। तुम अपनी लड़की उस छोकरे को देना चाहते हो? जी अभी तक तो ऐसा नहीं सोचा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी किसी भी लड़की की शादी उसके साथ कर सकता हूँ। जी 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 जी, उस नीच के साथ ब्राह्मण की बेटी की शादी? तुम्हारी ये जुर्रत, तुम उस नीच के साथ अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो? तुम अपने गले का फंदा सारी जात के गले में बांधना चाहते हो? और कोई चारा भी तो नहीं भैया, अपनी जात में क्या कम कोशिश की, मगर आजकल के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे। क्या कहा? अगर ठीक नहीं कहा तो एक जात होने के नाते इतनी दया कीजिए कि बिना दहेज लिए ललिता से अपने शेखर की शादी कर दीजिए। चुप रहो गुरुचरण, मैं तुम्हारी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आपको कुछ कहने का भी हक नहीं? क्या हमें हक नहीं है? हम सब किसी वक्त अभी तुम्हें समाज से निकाल बाहर कर सकते हैं। हाँ समाज, जो समाज दुखी का दुख नहीं समझता, जो समाज मुसीबत में सहारा नहीं देता, जो समाज दुश्मन बनकर गला दबाता है, वो समाज न मेरा है न मेरे जैसे गरीब दुखियों का। वो समाज है आप जैसे बड़े लोगों का, जिनके इशारों पर उठता और बैठता है। वो समाज से आप मुझे क्या निकालेंगे, मैं खुद ही नहीं रहूंगा। नहीं रहोगे? समाज में नहीं रहोगे तो क्या करोगे? जो मुनासिब समझूंगा वही करूंगा। तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? हम तुम्हारी गंदगी इस मोहल्ले में कभी नहीं फैलने देंगे। अच्छी बात है, आप लोग जो करना चाहें शौक से कीजिए, लेकिन एक बात कह जाता हूं, वो ग्रीन जिसे आप नीच समझते हैं, आप जैसे ऊंची समाज वालों से बहुत ऊंचा है। अपनी जबान संभालो गुरुचरण, वरना। वरना क्या, सच्चाई को तो आप नहीं बदल सकते। जब कर्जे के बदले आप मेरे मकान को नीलाम करके हड़पना चाहते थे, उस वक्त जिसे आप नीच कहते हैं उसी लड़के ने मुझे बर्बादी से बचाने के लिए सहारा दिया।
वो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी आप जैसे ब्राह्मणों से बात हो जाए। आपके मुंह पर ही आपकी बेइज्जती कर गया भैया, सारे ब्राह्मण समाज पर कीचड़ उछाल गया। नहीं नहीं, हम लोग आपकी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, 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 नहीं। मैं दिखाता हूँ उसे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा ही अपमान करते हैं और मेरी ही छत से आना जाना होता है। रहेगा बात का बचेगी बात नहीं। मुनीन जी, मुनीन जी, मुनीन जी, ये तो मां के साथ मधुपुर गए बाबू जी। जाते कहा? सुनो तो तुम ये काम करो, इसी वक्त किसी को भेज कर राज मिस्त्री को बुलवाओ, उस बीच गुरचरण के घर से इस घर का ये रास्ता बंद करना होगा, फिर देखे कैसे कोई उधर से चलाता है। मेरे मोहल्ले में मेरा ही अपमान। हमारे यहाँ शेखर दादा के मकान का जो रास्ता है ना, उसे ताऊ जी बंद करा रहे। क्यों? मुझे नहीं मालूम। ठीक तरह से बंद करो, बंद करो। उस तरफ की गंदी हवा भी इधर नहीं आनी चाहिए। जो आदमी नीच जात में अपनी लड़की का ब्याह करता है वो खुद भी नीच है, उसकी शक्ल देखना भी पाप। सुनते हो, अभी वक्त है, एक बार गांव में समझाओ ना। नहीं, चुपचाप सब कुछ सहते रहने से ही आज मेरी यह हालत हुई है। अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अमीर है तो अपने घर के रास्ता बंद करना तो बंद करने दो, अपना क्या बिगड़ता है। लड़कियों से कह दो उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, उधर वाले किसी एक ने भी इधर कदम बढ़ाया तो पैर तोड़ दूंगा। हरिया, ओ हरिया जी। आया मालिक। क्या छाता लिया? जी लाया। कम वक्त तेज धूप और गर्मी को भी आज ही पड़नी थी। तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या तमाशा देख रहा? जा बिना उसको बुलाना। मालिक, बड़े बाबू तो बाहर चले गए। ओ जा कुर्सी लिया, जल्दी करो जल्दी करो। तुम लोग के हाथों को क्या लकवा मार दिया है? ये रास्ता फौरन बंद होना चाहिए। जाए गिलास पानी लिया। चिल्लाते चिल्लाते हलक सूख गया। नीच कमीने अपने बाप दादा की जागीर समझ कर मोहल्ले में अड्डा जमाए हुए हैं। देखता हूँ अब यहाँ कौन कौन रहता है। मैं एक एक छिली पटूंगा। जहाँ इंसान एक दूसरे का दुख दर्द नहीं समझता, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी के मकान को नीलाम करके उसके बच्चे को रास्ते का भिखारी बनाना चाहता, मैं खुद ऐसे पड़ोसी के साथ नहीं रहना चाहता। मुन्नी जाके देख ली घर में है या नहीं। पानी में रहकर मगर से बैठ, मैं इसे दिखा दूंगा कि मेरे खिलाफ चलने का क्या नतीजा होता है। पता चलेगा जब नाई और धोबी तक बंद हो जाएंगे। मोहल्ले का कोई आदमी इसके घर नहीं जाएगा, कोई आदमी इससे बात तक नहीं करेगा। वो लोग सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। गुस्सा करेंगे तो करने दो, मैं किसी रोटी मांग के नहीं खाता। आज से हुक्का पानी बंद, रास्ता चलना बंद, सब कुछ। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? क्या हुआ रामू? देखिए बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? मालिक, डॉक्टर साहब डर की तो कोई बात नहीं है? नहीं अविनाश, घबराने की कोई बात नहीं। ये दौरा दूसरी मर्तबा आया है, इसलिए पूरी तरह होशियार रहना चाहिए। इन्हें किसी तरह जोश में आना खतरनाक साबित होगा। जो मैंने दवा लिख कर दी है बराबर देते रहना, और देखो इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। शेखर और माँ मधुपुर गए हैं, क्या उन्हें तार दे दूं? नहीं नहीं, तार देखकर क्यों परेशान करोगे, एक चिट्ठी लिख दो। जी अच्छा। सच कहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा कसूरवार समझ रहा हूँ। मेरी ही वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। सोचता हूँ जल्दी ही मुंगेर वापस चला जाऊं। नहीं बेटा, तुम क्यों जाओ? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो पुरानी बात है कि ताकतवर इंसान कमजोर को दबा रही है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ यही ठीक होगा, आपकी तबीयत भी खराब है, कुछ दिन के लिए मुंगेर चले चले। हाँ बेटा, मुझे मुंगेर ही ले चलो, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। गिरी बेटा, उस दिन नवीन बाबू के यहाँ गुस्से में जो बात मेरे मुंह से निकल गई थी, सच पूछो तो मेरे दिल की ही बात थी। कौन सी बात? बात ये थी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी ललिता का ब्याह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जी ये क्या कह रही हैं आप? देखिए इस वक्त आप परेशान हैं, ये बातें फिर कभी करेंगे।
परेशान हूँ, एक काम करेगी क्या? जरा उस घर में चली जा और अविनाश दादा से इस पर मधुपुर का पता लिखा के डाक में डाल दे। उस घर में ना बाबा ना, तागी ने मेरी टांग तोड़ी तो? टांग क्यों तोड़ेंगी उसकी, मेरी अच्छी बहन, चली जा, मैं तेरी बेटी को मोतियों की माला दूंगी। और सुन, इस खत की बात और किसी को ना मालूम। अच्छा अच्छा, देखो तो वो कौन है? क्या है अनु? अविनाश भैया से शेखर दादा का पता लिखा कर इसे ढक में छोड़ दिया। किससे बातें कर रही हो बहू? जी अनु, घर से चिट्ठी लाई है। जी कैसी चिट्ठी? यहाँ लाओ। गुरुचरण बाबू के यहाँ से ये चिट्ठी भेजी है, देवर जी का पता लिखना है। ओ तुम जाओ। मामा। हाँ? क्या हम लोग सब मुंगेर जा रहे हैं? हाँ बेटी, ग्रीन सभी के लिए टिकट लेने के लिए गया है। मैं जानता हूँ घर छोड़कर जाने में तुझे दुख हो रहा है, मगर क्या किया जाए बेटी, मुझसे अब यहाँ रहा नहीं जाता। सो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही थी कि... रुक क्यों गई, बोल ना। मैं कह रही थी कि इतनी जल्दी भी क्या है, दो चार दिन के बाद भी तो... परसों के टिकट मिले। टिकट मिल गया, चलो अच्छा हुआ। नहीं बेटा, अपने ही पास रखो। कै बजे की गाड़ी है? रात को 9 बजे की, हम लोगों को 8 बजे यहाँ से चलना होगा। अरे बस बस, अच्छे तो हो शेखर। अच्छा भैया, तेरा पिताजी की तबीयत कैसी है अविनाश? ठीक है माँ। मुनीम जी कहाँ है? यार मुनीम जी, मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ, तुम सब सामान वगैरह लेकर के आओ। आओ माँ। कुली कुली। लो ये भी इसी बिस्तर मान। दीदी दीदी, शिखर दादा आ गए। ऊपर का रास्ता तो बंद है, मिलने कैसे जाओगी? मानती मैं भी। ललिता इस वक्त कहाँ जा रही थी? रसोई से बर्तन ले आ, बक्से में रख लो। चलो अभी बिस्तर मत बनो, मुझे अपनी लड़की का भी सामान इसी में रखना है, मैं अभी लाती। ले आई रख। बाप रे बाप, इतना बड़ा घर संसार, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम है? दीदी दीदी, कल की जरा बिस्तर तो बांध दे, मुझसे अकेले नहीं बनता। तू जरा ठहर, मैं भी। जाने वाले मुंगेर? गुरुचरण बाबू इलाज के लिए जा रहे हैं, वहाँ गिरिन का अपना मकान है, सब लोग वहीं रहेंगे। आज मुंगेर जा रहे? हाँ, रात 9 बजे वाली गाड़ी से। बहुरानी कह रही थी गिरिन के साथ ही ललिता के ब्याह की बातचीत चल रही है, लड़का अपनी जात का नहीं है, न जाने क्यों गुरुचरण बाबू ने ऐसा फैसला कर डाला, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा पैसे वाला भी है, ललिता का दुख मिट जाएगा।
की तकलीफ में पड़ गए गुरचंद बाबू। वो लोग जाने की तैयारियां कर रही हैं और बीच में चाय का झमेला। अरे भाई तुम मेरी ललिता बेटी को नहीं जानते, काम काज में उसका जवाब नहीं। ये लो है? मेरी बात पूरी हुई नहीं कि मेरी रानी बिटिया हाजिर। हाँ बेटी जाने की तैयारियां हो चुकी। हाँ मामा। हाँ तो मैं मुंगेर की बात कह रहा था। आ, क्या आबो हवा, आप दो ही दिन में बड़े चंगे हो जाएंगे। ये मेरे सारे राम हजार बार कह चुके हैं मुझसे, मगर मैं इसी डर से वहां नहीं जाता। समझे नहीं आप? अरे भाई साहब, अगर इस नाजुक बदन पर थोड़ी सी चर्बी और चढ़ गई तो मुझे अपने मकान के दरवाजों की लंबाई चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। मुझे देखते ही आप लोगों की हंसी रुक गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, माधव मुंगेर की आफा का जिक्र कर रहा है। मैं आज सुबह माँ को लेकर मधुपुर से लौटा हूँ, आते ही सुना आप लोग जा रहे हैं इसलिए आप लोगों से मिलने चला है। बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने। शेखर तुम तो इन लोगों को अच्छी तरह पहचानते होगे। ग्रीन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इसलिए मेरी बीमारी में बड़ी सेवा सहायता की है। डॉक्टर बुलाना, दवा लाना, देखभाल करना, क्या कुछ नहीं किया इसने। ये तो अपने घर के लड़के जैसे जा रहे हैं। अच्छा तो बेटा इस बार मधुपुर में तुम्हारी माँ की कैसी तबीयत रही? जी अच्छी रही। अच्छा तो मैं जाता हूँ। इतनी जल्दी क्या बेटा? अच्छा मुझे काम है। माँ कैसी है? अच्छी। ठहरो तो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे घर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। ये सब तो तुम ही लोगों ने किया। दीदी माँ तुम्हें बुला रही है। क्या है मामा, इतनी देर कहाँ थी? ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी काम निपटा ले। उस घर में मिलने गई थी? नहीं। जा दीदी को प्रणाम करा और हाँ अन्न को साथ ले जा। दादा के पास जाकर क्या कहेगी? कहूंगी क्या? प्रणाम करूंगी? यू नहीं, प्रणाम करने से पहले कहना कि शेखर दादा जाने से पहले हम लोग तुम्हें प्रणाम करने आए हैं। जाने अनजाने हम लोगों से बहुत सी गलतियां हो गई हैं, उन्हें भूल जाना और हमें क्षमा कर देना, समझी? अच्छा समझ गई। हम लोग जाने से पहले आपको प्रणाम करने आए हैं। ये लो तुम्हारी चाबी जो मेरे पास है। तो शेखर दादा हम लोगों ने जाने अनजाने बहुत सी गलतियां की, वो सब भूल जाना और हमें क्षमा कर देना। अच्छा अब तू जा घर, मैं भी आती हूँ। अच्छा। मगर तुम देर ना करना, ग्रीन दादा गाड़ी लाने गए। हाँ हाँ मुझे मालूम। हाँ मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी नहीं मिली? मगर मैंने क्या लिखा था उसमें? बहुत कुछ लिखा था, जब तक तुम सुन चुके होगे। बोलो मेरे लिए तुम्हारा क्या हुक्म है? मेरा हुक्म? मेरे हुक्म से क्या होगा? क्यों क्यों सर, मैं भला किसको हुक्म दूं? देखो अभी यह हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पैर में पड़ती हूँ, बोलो अब क्या होगा? डर से मेरा मन कांप रहा है। डर? डर कैसा? डर नहीं होगा, तुम यहाँ नहीं थे, माँ भी नहीं थी, मामा और ताऊजी में कितना बड़ा झगड़ा हुआ और इस पर मुंगेर जाने का फैसला भी हो गया। लेकिन तुम्हारे मामा ने ग्रीन बाबू जी से बहुत से रुपए लिए हैं। वो तो उधार लिए हैं, मैं सब चुका दूंगी। तुम्हें इतने रुपए कहाँ से मिलेंगे? जानते नहीं शादी के बाद औरत को रुपया कहाँ से मिलता है, वहीं से मुझे भी मिले। लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा है उससे पता चलता है तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेचकर रुपए लिए। क्या तुमने जो कुछ समझा है वो गलत है?
मेरे मामा जैसा भला आदमी इस संसार में दूसरा नहीं। उनका दुख तुम नहीं जानते, लेकिन दुनिया के और सब लोग जानते हैं। रुपए की बात कहते हो, रुपया उन्होंने लिया है मगर मेरी शादी के बाद, इसलिए मुझे बेचने का अधिकार उनको नहीं और ना उन्होंने मुझे बेचा है। मुझे बेचने का अधिकार अगर किसी को है तो वो तुम हो। तुम अगर चाहो तो रुपया चुका देने के डर से मुझे बेच सकते हो। बेटी क्या सोच रही है, कुछ छोड़ा है क्या? चलो चलो खेल रहे हैं। हाँ ललिता,
स्टेशन से सब सामान आ गया? देखती हूँ जाकर। मालती, सब सामान पहुँच गया? हाँ दीदी, ग्रीन बाबू का मकान देखा, कितना बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं। हम दोनों एक कमरे में रहेंगे। इस बक्से को उठाओ, उस कमरे में रखना। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? घर में इतने नामचा कर रहते हैं, तुम लोग क्यों? ठहरो। सीताराम, सीताराम, हम लोग इसके आगे हैं। कहाँ मर गया था? अभी तक सामान नहीं उठाया, अंदर ले जाओ। उधर के कमरे बाहर दिनों से खोले नहीं गए हैं। उफ, किस कदर गंदे हैं। जाओ नौकरों को बुलाकर साफ करा दूं। ये लो तुम्हारी चाबी। ललिता, शायद तुम्हारी मामी को फिर जरूरत पड़े, इसलिए ये चाबी तुम्हारे पास रखो। जल्दबाजी में भी अपनी बेटी के दूल्हा को समझ गया कलकत्ते बुलाए। अब क्या होगा? इसमें घबराने की क्या बात है? बाजार से गुड्डा खरीद के अपनी बेटी का फिर दोबारा ब्याह कर। हाय राम, ग्रीन भैया कैसी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। किसी के साथ एक बार माला बदल हो जाने से क्या उसकी शादी दोबारा होती है? बुरी दादी हूँ। मालती, ये चाबी तू अपने पास रख। रामू जी सरकार, कल मेरे बाहर जाने के बाद इस मेज को किसने छुआ? जी मैंने ही। यहाँ मेरी चाबी थी। चाबी? चाबी तो मैंने नहीं दी। चाबी नहीं देगी तो क्या पंख लाकर उड़ गई? उड़ गई? खबर है जानने मेरे कोई भी चीज को अंदर आया? मेरा कमरा साफ और गंदा जैसा रहना चाहिए। जी अच्छा। अजीब मुसीबत, आजकल कोई भी चीज वक्त पर नहीं मिलती। फिर हाथ लगाया। सरकार, ये रही चाबी। मेरे इतने नजदीक थी, शायद इसीलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आज ही मैंने ठीक तरह से जाना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। भगवान करे तुम राज रानी बन। लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा है उससे पता चलता है तुम्हारा मामा ने तुम्हें बेचकर रुपया लिया।
इस अंधेरे में? यही। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। क्या तुम्हें यह अच्छा लगता? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? बात यह है कि यहाँ आने के बाद तुम्हें हमेशा उदास देखता हूँ, हर समय खामोश रहती हो, कहीं घूमने भी नहीं जाती। क्या मुझे कोई भूल गई? ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा न कीजिए। आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो तो सदी भी नहीं करते। अच्छा, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, फिर शुरू करो ना। मेरे पास काफी वक्त है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। वो शौक तो सिर्फ कलकत्ते तक था। ये क्या मामा, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो मेरी कितनी चिंता हर वक्त किया करती है कि मेरी सगी बेटियां भी नहीं करती। जरूर पिछले जन्म में तू मेरी माँ थी। मैं सोचता हूँ जिस दिन तुझे दूसरे के घर विदा कर दूंगा उस दिन मेरा क्या हाल होगा। तू मेरे पराए घर जाने की चिंता ना करो मामा, मैं अभी शादी। ऐसा क्यों कह रही हूँ? मामा, कई दिनों से एक बात कहना चाह रही थी लेकिन। क्या बात है बेटी, कहो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम्हारा जी अच्छा नहीं है। दवाई का वक्त हो गया, मैं दवा ले आती हूँ। अविनाश, अविनाश। हाँ मां। डॉक्टर को जल्दी फोन करो बेटा, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हरिया, शेखर को जल्दी बुला। अच्छा मैं। हेलो, बड़ा बाजार 234 से। छोटे सरकार, माँ जी बुलाती है, जल्दी चलिए। जाओ, मालिक को ना जाने क्या हो गया है, चलिए ना। अब हमारे बस की बात नहीं शिखर, ना उस मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। हिम्मत रखो। मस्जिद तहां बरन चारी नर तीर तीर देवन के मंदिर कहीं विसर्जन के पवन सुंदर। कलकत्ते से दीदी की चिट्ठी आई है। चारू की माँ की क्या लिखा है? शेखर बाबू के पिताजी का देहांत हो गया। नवीन भैया चल बसे, क्या हुआ था? आपसे झगड़े के बाद जो बिस्तर पर गिरे फिर वो दोबारा उठ न सके, पिछले सोमवार को हार्ट फेल हो गया। हमारे दोनों परिवारों में कितने दिनों से अच्छे ताल्लुकात थे, न जाने क्यों कर ये मनहूस बात हो गई। मैं खुद अपने आप को एक अपराधी समझ रहा हूँ। शेखर के पिताजी का देहांत हो गया? हाँ, और मैं ही उनकी मौत का कारण बना। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। गिरी, न जाने तेरे को क्या हो रहा बेटा, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो बेटा। जरा कागज दीजिए। बहुत रात हो गई ललिता, अब तू जाके सो जा, मैं बैठती हूँ। अंदर गई है, भेज देती। गिरी मेरे करीब आ, मैं जानता हूं कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। ललिता के ब्याह का जो अरमान था भगवान ने उसे पूरा नहीं किया,
अगर बेटा मुझे वचन दो ये मेरे मरने के बाद तुम ये अरमान पूरा करोगे। अब ये सब ना कहिए। नहीं नहीं, मरने से पहले अगर तुम्हारे मुंह से ना सुन सका तो मरकर भी मुझे शांति ना मिलेगी। इन्हें देखने वाला कोई नहीं, मैं इनकी जिम्मेदारी भी तुम्ही को सौंपता हूँ। बोलो बेटा, बोलो, मुझे वचन दो, बोलो। जी, मैंने वचन दिया। बस अब मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान जानता है कि तुमने मेरा सारा भूजल काट दिया, मुझे कितनी शांति मिली। क्या हुआ? सुनती हो? क्या हुआ? सुनती हो? गृह में ललिता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और तुम लोगों की देखभाल भी करेगा। ललिता कहाँ है? ललिता को जल्दी बुलाओ ताकि इन दोनों का हाथ मिलाकर मैं शांति से मर जाऊं। ललिता, गिरीर, तुमने जो कुछ किया मैं वो कसर तुम्हारा ना चुका सकूंगा। गिरीर, तुम्हारा हाथ कहाँ? गिरीर, अपना हाथ लो, मेरे पास वक्त नहीं। गिरीर, अब मेरे पास वक्त नहीं। ललिता नहीं आई, मेरा दिल फटा जा रहा है। पानी, 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 पानी। शादी का दिन तय करना चाहते। तेरे पिताजी ने उन्हें वचन दिया था, इसलिए अविनाश की और मेरी भी यही राय है कि तेरी शादी वहीं हो जाए। माँ, आज तक मैंने कभी तुम्हारी आज्ञा से इनकार नहीं किया, मगर आज ये चाहता हूँ मुझे कुछ दिन सोचने की मोहलत हो। फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों? बात क्या है? ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, फिर किसी दिन सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, तो मैं अविनाश को यही कह देती हूँ। Thank you.
शेखर, ललिता की शादी हो रही है, उसकी मामी ने मुंगेर से चिट्ठी भेजी है। बेटी को कितने दिनों से नहीं देखा, मन तो बहुत चाहता है कि जाऊं, लेकिन कैसे जा सकती हूँ। खैर, जाना न भी हो उसके लिए कुछ गहने जरूर भेजने पड़ेंगे। तो अभी किसी को भेजकर सुनार को बुलवा ले। शादी नहीं कर सकती मामी। क्या कहा? ब्याह शादी क्या कोई बच्चों का खेल है? मरने से पहले तेरे मामा ही शादी ठीक कर गए थे और इधर मैं सारा इंतजाम कर चुकी हूँ और अब तू इनकार करती है, वजह क्या है? वजह मैं नहीं बता सकती। अगर वजह नहीं बता सकती तो ऐसी बात जबान पर भी नहीं लानी चाहिए। जो मामा तुझे इतना प्यार करता था उन्हीं के नाम को तू पता लगाना चाहती है? शादी के रिश्तेदारों के सामने हमारे से धूल नहीं मिलता। मैं तेरी एक नहीं सुन सकती, तुझे ये शादी करनी ही होगी। बचा लीजिए किरण बाबू, आज आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों, क्या हुआ? बोलो बोलो ललिता, अगर मैं तुम्हें किसी तरह सुखी बना सका तो अपने को खुशकिस्मत समझूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरा ब्याह हो चुका है। मैं जानती हूँ ये कहकर मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन यकीन कीजिए इसके सिवा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं परिणीता हूँ, मेरी शादी हो चुकी। शादी हो चुकी है? कब? करीब 1.5 साल हुए। लेकिन ये बात तो कभी मैंने आज तक छिपा रखी थी, और अगर ये मुसीबत ना पड़ती तो मैं आज भी ना बताती। तुम्हारे आपके पतिदेव कौन है? हिंदू स्त्री अपने पति का नाम कभी नहीं लेती। गिरीन बाबू, जब तक मेरे स्वामी मुझे स्वीकार न करें आप ये बात किसी से न कहिएगा, बस मेरी यही एक विनती है। आपके स्वामी आपको स्वीकार क्यों नहीं करते? ये तो बहुत जाती है उनकी। मैं उनके कामों का विचार नहीं करती, वो मुझे स्वीकार करें या न करें फिर भी वो मेरे पति। ये शादी किसी भी तरह रोकनी ही होगी गिरीन बाबू। लेकिन शादी का सब तो बंदोबस्त हो चुका है, और मैं आपकी मामी से क्या कहूँ? इसके अलावा मैंने आपके मामा जी को उनके आखिरी वक्त में जो वचन दिया था, अगर वो वचन तोड़ दूं तो मेरे लिए बहुत ही अन्याय होगा। आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। इस वक्त मैं कैसे कह सकता? मेहरबानी करके मुझे जरा सोचने का वक्त दीजिए। क्यों चाहती है? जब वो ही नहीं रहे
तो कलकत्ते का मकान रखे। अरे दीदी तुम ना बचाओ तो देख रही हूँ। एक अच्छी सी खबर लाई, नाम क्या दोगी? क्या खबर है? शेखर दादा की शादी है, विदा जी तुम्हें और माता जी को कलकत्ते ले जाएंगे। तुम्हारे अपने आंसू? नहीं नहीं, मेरी आंख में कुछ पड़ गया होगा। काले राम एकदम से जुगल जोड़ी, और संग साली को भी लाना नहीं भूले। शहनाई कहाँ बच रही है? तुम्हें नहीं मालूम शेखर की शादी है ना? ललिता तो अच्छे मौके पर आ गई, दो चार दिन हंसी खुशी में कट जाएंगे। मुनीम जी, बिजली वालों को खबर भेज दी है? जी अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। आपसे सुबह से कह रखा है कि बिजली वालों को खबर कर दीजिए, और आप कह रहे हैं कि अभी भेजता हूँ। कोई भी काम आपको सौंपा जाए कभी पूरा नहीं होता, जाइए फौरन किसी को भेजिए। अरे अभी तुम लोगों ने झाड़ फलू साफ नहीं किया? एक बार तुमको कहने से तुम नहीं सुनते हो, चलो साफ करो। जो काम तुम पर सौंपा जाए कभी पूरा नहीं होता। माँ कहाँ है? अपने कमरे में। हो शादी में आई? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दावा दी जाए, लेकिन मना इसलिए नहीं किया कि बहुत दिन पहले जो एक बचपना हो गया था वो कहीं जाहिर ना हो जाए। बचपना? नहीं, तुम्हें तो ये साबित कर दिया। मैंने क्या? रहने दो लड़का, आज के शुभ दिन मैं छोटी सी बात के लिए तुमसे बहस नहीं करना चाहता। लेकिन तो तुम्हारी हालत कैसी? ये फटे पुराने कपड़े, हाथों में कांच की चूड़ियां, सुना है तुम्हारे पति तो बड़े अमीर आदमी है, वो तुम जैसे साक्षात अन्नपूर्णा की कदर नहीं करते? ताज्जुब, आखिर क्यों? ये तो मुझे जाने, मैं उनके कामों का विचार नहीं करती। हो, उसे कहते हैं पतिभक्ति। आजकल के जमाने में ऐसी पतिभक्ति दिखाई नहीं देती। सब कुछ तुम ही कहोगे, मेरी एक भी नहीं सुनोगे। अब और क्या सुनो, तुमने तो खुद ही सब बातें खत्म कर दी। लड़की को सोने से मरकत देने वाले? अरे सिर्फ यही नहीं, इनके ससुर साहब तो इनको तोहफे में एक बैंक भी पेश करने वाले हैं। बहुत मजा। नमस्कार। माफ कीजिए शेखर बाबू, इस हंसी खुशी की महफिल में शरीक होने लायक शायद मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे आना ही पड़ा क्योंकि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है कहिए? बेहतर होता अगर ये बात अकेले में, सब मेरे दोस्त हैं, जो कुछ कल इनके सामने कही। चिट्ठी किसने भेजी? मेरी सास ने, यानी गुरचंद बाबू की पत्नी जी। मुझे मालूम है, बैठिए। इस काम के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, पिताजी के पास सब कुछ भाई साहब के जिम्मे, आप उन्हीं से मिली। अच्छा होता अगर आप ही उनसे कहते। जी नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप खुद ही उनसे देंगे, और आजकल तो आप ही उन लोगों की देखभाल कर रहे हैं। जी अच्छा मैं ही कहूंगा, लेकिन दीदी कह रही थी आपसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो तो अभी अंदर ही होंगी। दीदी? कौन दीदी? ललिता दीदी। कौन? जी ललिता दीदी। ललिता दीदी, क्या आपकी शादी ललिता से नहीं हुई? जी नहीं, मेरी शादी मालती से हुई। लेकिन आपकी शादी के बाद तो ललिता से थी। जी हाँ, बात तो ऐसी ही थी, लेकिन शादी से दो दिन पहले ललिता दीदी ने मुझसे कहा डेढ़ साल हुए किसी के साथ माला बदल कर उनकी शादी हो चुकी है। हा? आप चौंक क्यों उठे शेखर बाबू? नहीं, तुम लोग जरा बाहर जाते तो अच्छा होता, मुझे अकेले में इनसे कुछ बातें करनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बैठिए किरण बाबू। ललिता ने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, ये सुनकर मैं गहरी चिंता में पड़ गया। हिंदू नारी का ब्याह एक ही बार होता है,
और इधर गुरचरण बाबू के गुजरने से पहले मैंने उनका ऐसा ही वचन भी दिया था। बहुत सोच विचार कर मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए गुरचरण बाबू की दूसरी लड़की मालती से शादी की। क्या ललिता ने अपने पति का नाम बताया? नहीं, उस सती सावित्री जैसी देवी ने अपने पति के तमाम गुनाहों को माफ करके अब तक उनका नाम छिपा रखा था। लेकिन शेखर बाबू, आपने चौंक कर उस राज को जाहिर कर दिया। लेकिन बाबू, इतने दिनों तक मैंने आपको पहचानने में भूल की थी। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में खामोशी के साथ कोई इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकता है। आप बैठे, मैं भी आता हूं। हरिया जी। सरकार, ललिता कहां गए? जी, कुछ देर पहले यहां से चली गई। बहू रानी को ये पिता मत दिया, शादी के समय शेखर को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये शादी नहीं होगी माँ। ये क्या कह रहा है? ऐसी बुरी बात जबान पर नहीं लानी चाहिए। इतने दिनों तक ये बात जबान पर नहीं लाया था, मगर अब खामोश रहा तो महापाप होगा। ये सब तू क्या बोल रहा है शेखर? ये क्या कोई बच्चों का खेल है? खेल नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ, तुम अपने इस बेटे की बहुत सी गलतियां माफ करती आई हो, ये गलती भी माफ कर दो। मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं भी आता हूँ, तुम जरा ठहरो। ललिता, ललिता, ललिता। साल भर से भी ज्यादा हुआ तुम इसकी सच्ची माँ हो चुकी हो, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहा है तू? इसकी तो गिरिन के साथ? नहीं माँ, गिरिन बाबू ने मालती से शादी की है, ये तुम्हारी बहू है। क्यों भी, क्या ये सच है? मगर तेरी ये हालत? शिव को पाने के लिए पार्वती को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। दुखी रहो बेटी, दुखी रहो। अभी नाशो खबर कर दो, बहू बदल गई है। अविनाश, अविनाश। क्या है माँ? अभी चौधरी बाबू के यहाँ जाकर शेखर की शादी रोकनी होगी। शादी रोकनी होगी? लेकिन अब ये कैसे हो सकता है माँ? जैसे भी हो यही होगा, शेखर की शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी? हाँ, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तू गाड़ी तैयार करा, अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद जाऊँ।